आया देख करके अर्जुन घबराए। भगवान बोले चिंता मत करो, तुम्हारे पास भी है ब्रह्मा, तुम भी छोड़ो, तुम्हें वापस करना भी आता। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों टकराए, भगवान ने शांत किया। अर्जुन रथ से कूद करके अश्वत्थामा को रस्सियों से बांध करके रथ में पटक पटक तथा हरदम पशुवत पाश बद्धम अवामुखम कर्म जुगुप्सिते कर्म निंदतेन बालकवद रूपेण कर्मणा अवामुखम। पापी व्यक्ति की दृष्टि किसी का सामना नहीं कर सकता। देखिए रावण का कितना बड़ा वैभव था, जाके दर्शन असुर दे राही निश्न नींद दिन अन्न न खाही सो दस शीश स्वान की नाही इतनी चितई चला भड़ा। जब सीता का हरण करने के लिए जा रहा है, तुलसीदास जी लिख रहे स्वान की नाई माने कुत्ते की भांति दबे पड़ा, जितना इतना बड़ा वैभव था उसका आत्मबल कमजोर हो जाता। रहना तेज बल बुद्धि लव लेशा, इसलिए कभी भी गंदा काम करने की सोचना चुना। अच्छा काम आपकी इच्छा न हो तो भी कर, और बुरा काम इच्छा होने पर कभी मत कर। एक एक सूत्र तो अपने जीवन में उतारने वाले होते हैं। अरे जब आप अपनाओगे समस्या मालूम है क्या है, सारा संसार रोगी है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भयानक रोग है, मानस रोग कछुक में गाय हैं, सब सब रोगी है, सारा संसार रोगी है। और दवा लेना नहीं चाहिए, सोचते क्या लोग रोगी लोग सोचते हैं कि दवा इंजेक्शन डॉक्टर और कंपाउंडर खा खा और रोग हमारा ठीक, ये लोग चाहते हैं। दवा लिए घूम रहे हैं, लाभ कैसे करें जो कहा जाएगा जब मानोगे तब तो। इसलिए माता शिशु दुर्योधन अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया, देवी चिंता मत करो, जिसने तुम्हारे सोते सोते पुत्रों को मारा है मैं तुम्हारे सामने ला करके मारूंगा। अश्वत्थामा को प्रस्तुत किया, बड़ी सभा लगी हुई थी, लोग सोच रहे थे अब तो मृत्यु दंड सुनाएगी द्रौपदी। लेकिन मालूम है क्या हुआ, दौड़ करके आई रस्सियां खोलने लगी, मुच्छताम मुच्छताम इस ब्राह्मणों ने तराम गुरु, अरे इसको छोड़ दो छोड़ दो, मुच्छताम मुच्छताम ये तो तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है जिनसे धनुर्विद्या सीखी। अब देख पांच पांच पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है, ये देवी जी दया 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 दिखाने से काम नहीं चलेगा, बोलो क्या सजा दी जाए। बोले दया इस पर नहीं आ रही, इसकी माता जी पर दया, पुत्र के वियोग पर माँ को कितनी पीड़ा होती मैंने अनुभव करके देख देख। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह किसी दूसरी माँ को पुत्र के वियोग में विकल होना पड़े, इसलिए दया इस पर नहीं सी माता जी पर दया। मारो दीदस जननी गौतमी पति देव, इसलिए दया इस पर नहीं इसकी माता जी पर दया। क्या किया गया, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन उसी समय भीमसेन आए, आप लोग दया दिखाइए, दया दया का पात्र नहीं है, आज मेरी गदा से जीवित नहीं जा पाएगा। अर्जुन कहने लगे भैया जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, द्रौपदी और महाराज युधिष्ठिर कहते मारने से लाभ क्या, और अर्जुन और भीम कहते हम छोड़ेंगे नहीं, तो स्थिति उत्पन्न हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया। कन्हैया पास में खड़े थे, अर्जुन बोले प्रभु आप निर्णय करो,
भगवान बोले हम निर्णय तो कर देंगे लेकिन मानना पड़ेगा, जरूर मानेंगे। अब भगवान का निर्णय बड़ा विचित्र, सुनिए। ब्रह्म बंधुर नहंतव्य आतताई बधारणा, ब्राह्मण कितना भी अधम से अधम क्यों ना हो लेकिन नहंतव्य उसको मारना नहीं चाहिए। अब आतताई बधारणा, आतताई कोई भी उसका वध कर, अभी ब्राह्मण भी है अब आतताई भी। भगवान बोले इतना ही नहीं, तुमने जो प्रतिज्ञा किया उसका पालन करना है और अपने भैया की आज्ञा का भी पालन करना है। अर्जुन ने हाथ जोड़ दिया, जय हो प्रभु, आप जैसे निर्णायक अगर मिल जाए तो हो गए हमारे फैसले, आपने तो उलझा दिया। अभी भगवान उलझन उलझन भरी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा ले, परीक्षा कौन लेता है, जो गुरु होता है। गुरु बन करके कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था तो आज महाभारत के समापन में परीक्षा ले। हमने तुमको ही गीता सुनाई थी, तुमको उपदेश याद है, अर्जुन बोले याद आ गया। दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक देखिए, आकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्तिः मरणाद् अतिरिच्यते। इसका भावानुवाद किया तुलसीदास जी ने, संभावित कहूं अप जस लाहो, संभावित अप जस लाहो, संभावित कहूं अप जस लाहो, संभावित कहूं अप जस लाहो, मरण कोटि सम कारण लाहो, मरण अगर प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरी सभा में अपमान हो जाए तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। या ये अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक प्रकाशमान मणि थी, उसको मणि जहार मूर्धन्य उसको निकाल दिया और भरी सभा में धक्का देकर के बाहर कर दिया, शरीर का वध भी नहीं हुआ, मृत्यु भी हुआ, अपमान हो गया। लेकिन अश्वत्थामा ने संकल्प किया, मैंने अगर उनके वंश का नाश नहीं किया तो मेरा नाम अश्वत्थामा, अब वंश में कोई बचा नहीं। हाँ, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, उस गर्भ को भी मैं नष्ट कर दूंगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र चल करके आए इधर भगवान, द्वारका जाने की तैयारी कर रहे, भगवान की झांकी का सब दर्शन कर रहे थे कि उसी समय भीड़ को, भीड़ में से चीख चीख पुकारती उत्तरा महारानी आई और भगवान के चरणों में गिर गया।
पाई पाई महायोगी देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्येयत मृत्यु परस्परम। हे प्रभु पाई पाई हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। नान्यं तद्भयं पश्ये, आपके सिवा दूसरा कोई रक्षा करने में समर्थ नहीं है। भगवान बोले क्या मांगा, ये प्रकाश पुंज हमें जला करके खाक कर दे, अब मुझे अपनी कोई कोई चिंता नहीं। माँ में गर्भो निपाते थे, ये मेरे गर्भ को नष्ट कर दे, अब मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है वो संतान बीजम कुरुपांडवाना, वो बीज के रूप में वही संतान है, अगर वो समाप्त हो तो वंश समाप्त हो। भगवान बोले चिंता मत करो, तुम एक क्षण के लिए मातृभाव धारण करो। जैसे ही मातृभाव धारण किया, भगवान एक रूप में द्वारका जाने के लिए तैयार, दूसरा अंगुष्ठ मात्र स्वरूप बना करके उत्तरा महारानी के गर्भ में गदा लेकर के प्रविष्ट हो गए और चक्र की भांति गदा को घुमाया और महाराज परीक्षित के परिक्रमा लगा। ये कौन है जो मेरे चारों ओर परिक्रमा लगा? भगवान छोटा रूप बना ले कि बड़ा रूप बना ले कोई बड़ी विशेष बात है, एक रूप में कहीं दूसरे रूप में कहीं विशेष बात। भाग्य से भाग्य की बात तो ये है कि वो बालक कितना भाग्यशाली जिसने जन्म बाद में लिया और गोविंद का दर्शन गर्भ में ही कर लिया। अब उत्तरा महारानी के सौभाग्य की तो कहने क्या, अनेक माताओं के नाम सुना होगा जिन्होंने द्रुत प्रहलाद के रूप में भक्तों को जन्म दिया, रामकृष्ण के रूप में भगवान को उदर में धारण किया, लेकिन ऐसी किसी माता का नाम नहीं सुना होगा जिसने भक्त और भगवान दोनों को उदर में धारण किया। ये सौभाग्य उत्तरा महारानी को मिला कब, जब नान्यम तो न अन्य दूसरा कोई है ही नहीं, हमारे सर्वस्व भगवान है। उसी समय कुंती महारानी आई और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, 26 श्लोक स्तुति माने होता है महिमा का वर्णन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति किया, भगवान बोले बुआ जी क्या बात है, बड़ी महिमा गा रही है, कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो ऐसा वरदान मांगा को शायद ही कोई मांगे, क्या मांगा, विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भाव तो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हमारे जीवन में विपत्तियां आती रहे, विपदा संतु न शश्वत, एक विपत्ति समाप्त हो दूसरी आई, एक दुख समाप्त हो दूसरा। भगवान बोले इन विपत्तियों से क्या मिलेगा, लोग धन मांगते हैं, सुख मांगते हैं, सुविधा मांगते हैं, इन विपत्तियों से क्या मिलेगा। जब जब विपत्ति आती है मुझको दौड़ करके आना पड़ता है। इसी बात को कुंती महारानी ने पकड़ लिया, हम पर विपत्ति आती रहे और दौड़ दौड़ करके आते रहे। जो विपत्ति भगवान से मिला दे वो विपत्ति की संपत्ति, और जो संपत्ति भगवान से दूर कर दे वो संपत्ति किस काम का। विपदो नहीं वो विपदा संपदो नहीं वो संपदा, फिर क्या है, विपद विस्मरणम विष्णु, यही विपत्ति है सबसे बड़ी कि भगवान भूल जाए। संपन्न नारायण स्मृति, संपत्ति है भगवान की याद बनी रहे, और सुख से ज्यादा दुख में याद आती है, इसलिए दुख की महिमा है। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभो याद आई न होती, तुम्हारी प्रभो याद आई न होती, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम भी हमसे कोई भलाई
दुख की महिमा, इसलिए संत कहते हैं सुख के माथे सिल पर नाम हृदय दे जाए बलिहारी वा दुख की पल पल नाम आता जिसमें पल पल याद आता। दुख मांगा, विपत्ति मांगी, भगवान बोले बुआ जी तुमने ऐसी चीज मांगी जो हमारे पास है ही नहीं, तो हम देखेंगे भगवान के पास दुख है ही नहीं तो देंगे कहां से। उनके पास न सुख है न दुख है, उनके पास तो आनंद है। राम सहज आनंद निधान। जब भगवान को लगा कुछ दे ही नहीं पाते पा रहे हैं, पहली बार मांगा तब बोले हम द्वारका जा रहे थे, अब नहीं जाएंगे, यहीं रहे यहीं रहे, अब नहीं जाएंगे। यात्रा को निरस्त किया, पांडवों के महलों में प्रवास किया, सब बड़े प्रसन्न हो गए। रहते रहते कई दिन बीत गए, एक दिन की बात भगवान महाराज युधिष्ठिर के कक्ष में गए, तो देखा क्या, बड़े दुखी अशांत बैठे हुए। भगवान बोले दादाजी क्या हुआ, आप दुखी क्यों, शत्रुओं का पराभव हो गया, महाभारत के संग्राम को जीत लिया, चक्रवर्ती सम्राट हो गए, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, दुखी क्यों। बोले हमें दुख इस बात का है कि जिनकी गोदी में हम खेले उन्हीं को हमने महाभारत के
संग्राम में मार गिराए। तब भगवान ने समझाने का प्रयास किया, आपने नहीं मारा, मारने वाला कोई दूसरा था। समझ में नहीं आया। भगवान ने विचार किया, यही उपदेश पितामह भीष्म से कराया था, जो ज्ञान वृद्ध है, आयु वृद्ध है, तो इनका शोक मोह दूर हो जाएगा। इसलिए रात बिताई, प्रातः काल हुआ, नित्य नियम से निवृत्त हो करके भगवान सभी को लेकर के पितामह भीष्म के पास पहुंचे, जो सरसैया पर लेटे हुए थे। भगवत चिंतन चल रहा था, क्योंकि उनके शरीर में रोम रोम में बाण चुभे हुए थे। तो दुर्योधन का जो अन्न खाया था वो रक्त सारा निकल गया, इसलिए भगवत चिंतन में डूबे। पांडवों ने प्रणाम किया, बोले पितामह हमारा प्रणाम स्वीकार। बोले तुम अपने मन से नहीं आए, तुम्हें लाने वाला कहां था? भगवान भी सामने आ गया, पितामह हमारा भी प्रणाम स्वीकार। महाराज युधिष्ठिर को समझा दीजिए, इनको लगता है कि महाभारत का संग्राम हमने जीता, तो इनको अनेक प्रकार के उपदेश करिए जिससे इनका शोक मोह दूर हो जाए। तब महाराज पितामह भीष्म ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभावशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास अभ्यास योगतः। सबसे पहले दान धर्मान विभावशः, दान धर्म को विभाग पूर्वक समझाया। जैसे भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में 20वें 21वें और 22वें श्लोक में तीन प्रकार के दान का वर्णन किया, विभाग दातव्यम इति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देखो दा धातु है, दा माने होता देना, तव्य प्रत्यय लगने पर शब्द बनता है दातव्य, जिसका अभिप्राय क्या होता है देयम इति कर्तव्य, देना ही चाहिए। पर किसको क्या ध्यान रख करके दें, देशे काले च पात्रे च, देश काल और परिस्थिति का अध्ययन करके देना चाहिए। भगवान शंकराचार्य महाराज कहते हैं, दानम परम किम, श्रेष्ठ दान कौन, यच्च सुपात्र दत्तम, जो सुपात्र को दिया जाता है वो श्रेष्ठ दान है। तो भाई देने वाला जो है ना मामला, ये काल दान दाताओं को सुना रहे थे, इसे तो यहाँ दानी है इस क्षेत्र में ऐसा लगता है, सुना रहे थे, हमारे पास भी वो लगा हुआ है, मशीन बहुत दूर तक लगी, सुनाई पड़ रहा है। तो अच्छी बात है, धर्म कर्म में देना ही चाहिए, धर्म कर्म में पैसा नहीं लगाए तो बीमारी में लग जाता है, इसे अच्छा है। क्योंकि धनात् धर्म आत्ता सुखम्, धर्मस्य मूलम् अर्थः। आचार्य चाणक्य कहते हैं धर्म के मूल में क्या है, अर्थ, धर्मस्य मूलम् अर्थः, धनात् धर्म आत्ता सुखम्, धन से ही धर्म कर्म संपन्न होते हैं, तब परम सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए दान धर्मान विभावशः। लेकिन ये काम हिम्मत वाला, जो हिम्मत वाले हैं वो नकली दौलत के दानी होते हैं, ये दानी असली दौलत के फिर धनी बनाए जाते हैं। एक महाकंजूस आदमी था, एक बार गड्ढे गहरे में, बहुत गड्ढे गहरे में गिर पड़ा। ये माधवाचार्य जी ने कथा लिखी है, शास्त्रार्थ महारथी थे माधवाचार्य। अब वहां रोने लगा, चिल्लाने लगा, भैया हम मर रहे हैं, यहां हमको बचाओ। भीड़ पहुंच गई, भीड़, तो गड्ढा इतना बड़ा था कि अगर लेट करके हाथ नीचे किया जाए तो पकड़ सकता। तो एक आदमी ने साहस किया, लेट गया और उससे कहता क्या है, दे अपना हाथ, आ जा ऊपर। रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसने हाथ नहीं दिया। बोले देखो रो रहा है और हम कहते हैं हाथ दे तो हम पकड़ के ऊपर कर ले। उसका पड़ोसी जानता था, बोले तुम सब हटो, वो भी लेट गया और लेट कर उसने कहा ले हाथ,
तो तुरंत पकड़ करके आ गया। बोले ये क्या हुआ? तो वो कहता क्या है, निपत्य कूपे परमस्ति मृत्यु परम दकारम न शृणोति मह्यम। कुएं में गिर करके मर जाना अच्छा है, परम दकारम। ये दा बोल रहे थे ना, ये दा तो हम नहीं बोल रहे थे, दे हाथ बोल रहे थे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ला पढ़ के आते हैं, ला माने लाते रहते, देना जानते ही देना नहीं जानते। जो जितना अधिक दान कर लेंगे जग में, वो पुण्यों की पूंजी बढ़ाते रहेंगे। दान में कम कलौ युगे, प्रकट चार पद धर्म के, तुलसीदास जी कहते हैं उत्तरकांड में, प्रकट चार पद धर्म के कलिमा एक प्रधान, एन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। और भगवान ने भी ऐसा किया। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, तब प्रभु ऋषि तो उनको लगा कि हमसे पाप बन गया, गए पतिलोक आनंद भरी। जैसे ही शिला पर अपना चरणारविंद स्थापित किया कि अहिल्या पति के धाम को गए पतिलोक और आनंद भरी, अहिल्या तो आनंदित होकर के अपने पति के धाम को चली गई, लेकिन राम जी दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? कि हमने ऋषि पत्नी को चरण से स्पर्श कर दिया, ये महान पाप हो गया, ये कहां धुलेगा पाप। तो चलो गंगा जी, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पामनि गंगा। और तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मई देवन पा, स्नान किया तो तन पवित्र हो गया। अब विविध दान मई देवन पाए, ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का दान किया तो मन भी पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। तन मन जब दोनों निर्मल हो गए तो प्रसन्नता भी आ गया। अब वहां से चले तो प्रसन्न हो गए। हरसी चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर निया। कथा नहीं सुने, हम तो प्रसंग बता रहे। भगवान ने पतिता को पावन कर लिया, तभी तो पतित पावन नाम पड़ गया। तो भाई आदत्त दाना च भवे दरिद्री, दरिद्र भावा करोति पापं, पाप प्रभावत नरकं प्रयाति, पुनः दरिद्री पुनरेव पापं। यत् प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः, दीयते च परिकृष्टं तत् दानं राजसं स्मृतम्। राजसी दान हो गया,
आदेश काले यद्दानं अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतं अवज्ञातं तद्दानं तामसम्। वो तामसी दान है, इसलिए दान की बहुत बड़ी महिमा। दान धर्मान विभाग विभाग पूर्वक समझा। अंत में भगवान बोले, बाबा हमारे लिए क्या क्या है। पितामह भीष्म कहते हैं, सदैव देव भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यादम यावत इदम हिनोम्यम। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम यावत इदम कलेवरम न हिनोमि भगवन तावत प्रतीक्षताम। जब तक शरीर में प्राण है खड़े खड़े प्रतीक्षा करो, तो भक्त के लिए भगवान प्रतीक्षा भी करते हैं। एकादशी तिथि है, एकादशी श्लोकों के द्वारा पुष्प ताकरा छंद में पितामह भीष्म ने बड़ी सुंदर स्तुति किया, लेकिन स्तुति का शुभारंभ इति से करते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वति पुंगवे विभूनि। हे गोविंद, मेरी वाणी के इति होने का समय आ रहा है, ये अंतिम शब्द निकल रहे हैं, और आपका चिंतन करते हुए शरीर का परित्याग करूंगा तो मेरे आवागमन की भी इति हो जाएगी। मेरे जीवन में इति शब्द का बड़ा महत्व है। हे गोविंद, आपने मेरी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण किया। एक कामना मन की मन में रह गई कि अभी तक मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाया। सुनने वाले चौंक गए, पितामह भीष्म नैश्चिक ब्रह्मचारी की बिटिया कौन। पितामह भीष्म कहते हैं, गोविंद इति मति, ये जो मेरी मति है, मेरी बुद्धि, ये मेरी पुत्री है। अब मैं इसका पाणी ग्रहण संस्कार नहीं कर पाया, क्योंकि इसके योग्य दुनिया में कोई बर ही नहीं मिला है। आपके त्रिभुवन कमनी स्वरूप को देख करके मेरी बुद्धि रूपी पुत्री परम प्रसन्न है, इसलिए मैं अपना बुद्धि योग आपके सिर चरणों में समर्पित करता हूँ। प्यारी याद आ गई महाभारत के संग्राम की, कुरुक्षेत्र के मैदान की, जहां पर मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। स्वनिगम अपहाय मर्त प्रतिज्ञा, दोनों ने प्रतिज्ञा किया था। भगवान ने प्रतिज्ञा किया था, मैं युद्ध क्षेत्र में अस्त्र धारण नहीं करूंगा। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा किया था, आज जो हरि नहीं अस्त्र कहा तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुत न कहा। आज जो हरि नहीं अस्त्र कहा, तो आपने अपनी प्रतिज्ञा तो तोड़ दी थी, मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। जब मेरे तीखे तीखे बाणों का प्रहार आपसे सहन नहीं हुआ, तो धृतराष्ट्र चरणों में आज चलत गुहु हरि दिव हंत मिमं गतोत्तरी। रथ के पहिए को एक चक्कर बना करके घुमा दिया, इतने वेग से दौड़े कि गतोत्तरी उत्तरी आपका पीतांबर धरती में गिर पड़ा। चलत गुहु धरती कांपने लगी। इनका कोई भरोसा नहीं, प्रतिज्ञा करते हैं भी तोड़ भी देते। महाभारत की प्रतिज्ञा को तो तोड़ा, पर मुझसे भी प्रतिज्ञा किया था, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भार को दूर करूंगा। तो मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ देंगे तो मेरा क्या हो। पर भगवान का तो गिरा हुआ पीतांबर भी चिन्मय है, भू देवी को आश्वासन प्रदान करूंगा, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भार को दूर करूंगा। इस प्रकार भगवान के रास विहार की लीला का चिंतन करते हुए पितामह भीष्म ने अपने पांच भौतिक शरीर का परित्याग किया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा किया और जय जयकार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पितामह भीष्म के महाप्रयाण के पश्चात भगवान पांडवों से कहने लगे, भैयाओ अब हमें आज्ञा मिले तो हम अपने घर द्वारका को जाएं। अर्जुन बोले, प्रभु आपका जाना जरूरी है तो कोई बात नहीं, आप जाइए, लेकिन मैं आपके साथ चलूंगा। भगवान बोले, बहुत अच्छी बात, अभी तक हम तुम्हारे साथ रहे, अब तुम चलो हमारे साथ। अर्जुन को लेकर के भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे।
द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपने पांच जन शंख का उद्घोष किया। द्वारकावासियों को पता चल गया हमारे प्रभु का आगमन हो चुका है। सर्वप्रथम हम पिता वसुदेव के महल में गए, जा करके दंड प्रणाम किया, वहां से लौट करके आए, सातों माताओं को प्रणाम किया। बबंदे सिरसा सप्ता देव की प्रमुखा मुदा, सातों माताओं को प्रणाम किया, सबको प्रणाम, और संसार के लोगों को शिक्षा दी कि बड़ों को अभिवादन करो, उससे लाभ क्या हो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तच्च वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो बड़ों को अभिवादन करता है और नित्यं वृद्धोपसेविनः वृद्धों की सेवा करता है, उनकी आज्ञा मानता है, उनको प्रसन्न रखता है, उसके जीवन में चार चीजें बढ़ती चली जाती हैं। वृद्धों की सेवा करना हमारा धर्म है। जिन माता पिता ने शैशव काल में तुम्हारी सेवा किया हर तरह से, वृद्धावस्था में तुम्हारे हाथों की सेवा की जरूरत उनको होती है। लेकिन इधर करते कम है, लेकिन बिहार में और भी कम है। सबसे ज्यादा अगर हमने वृद्धों का आदर सम्मान देखा है तो उसका नाम राजस्थान है। हम संचान में से जा रहे हैं राजस्थान, सबसे ज्यादा कार्यक्रम उधर ही कर। बाबा को परेशानी, वहां ये नहीं समझते बूढ़े हैं तो बेकार, उनको ये ध्यान रहता है ये बूढ़े एक दिन हम भी बूढ़े होंगे, इसलिए वृद्धों की बात उधर नहीं कटती। हमें यह देख के बड़ा अच्छा लगता है, आज भी हम जाते हैं। अभी हम जहाँ ठहरे हुए हैं माता जी से कल हाल चाल बता रहे थे, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, आजकल जिसको मिल जाए बहुत पुण्यवान है, वे पुण्यवान है जिनके माता पिता प्रसन्न हैं, सुखी हैं। या प्रीणेत सुचरितै पितरं सपुत्र, जो अपने चरित्र के द्वारा माता पिता को प्रसन्न रखता हुए तो पुत्र है। तो ये बहुत कम सुनने को मिलता है, नहीं तो ज्यादातर मिलेगा कि बूढ़े बाड़े माता पिता अपने बच्चों से ही परेशान, बाहर की बातें छोड़ छोड़ उनको ये सोच। इसलिए जवान जो बेटा बहु उनको सोचना चाहिए, आप हमेशा जवान नहीं रहोगे, तुम्हारे साथ भी बुढ़ापा आएगा, तुम जो व्यवहार कर रहे हो तुम्हारे साथ भी वही होने वाले। इसलिए उसको अपना धर्म समझो, धर्म समझो, इससे बढ़िया कोई काम नहीं होता। राम जी ने समझाया कि नहीं, सीता को समझाया, सादर सास ससुर पद सेवा, कि सास ससुर की सेवा करो, माता पिता वृद्धों की सेवा करो, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसके जीवन में चार चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल, चार चीजें। यहीं पर सोनक जी खड़े हो, महाराज हमने आपसे पूछा था, यहीं पर आपसे पूछा था कि परीक्षित कौन थे, और आप हमें कृष्ण कथा सुना रहे हैं। तब सूत जी को विषय याद आया, अरे ऋषियों तुम सच्चे श्रोता हो, मैं तो कृष्ण कथा में बह गया, अब मैं तुम्हें परीक्षित के बारे में ही बताऊंगा। मैंने तुम्हें तो बता ही दिया कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर परीक्षित के प्राणों की रक्षा किया, किंतु जब परीक्षित का जन्म हुआ तो बड़े बड़े ज्योतिषी आए, भविष्यवाणियां किया, एष दाता शरण्यश्च यथा योषी नराशिवि रन्ति देव इवो दारो ययाति इव धार्मिक। ये मालक प्रजा की रक्षा करने वाला होगा, शिवी के समान दानवीर होगा,
ययाति के समान धार्मिक होगा और कमी केवल एक है क्या? तक्षकाद आत्मनो मृत्यु, तक्षक के डसने पर इसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज ये तो अकाल मृत्यु हुई, बोले तक्षक के डसने पर इसकी मृत्यु तो होगी, लेकिन एक अवधूत परमहंस का ऐसा अनुग्रह प्राप्त होगा कि तक्षक के डसने पर भी इसकी सदगति हो जाएगी। तब तो बड़ी शांति मिली। एक दिन विदुर जी आए धृतराष्ट्र जी को समझा बुझा करके वजन करने के लिए ले गए। इस प्रकार इधर अर्जुन को कन्हैया के साथ गए द्वारका। पूरे 7 महीने बीत गए, कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ। बड़े बड़े अपशकुन हो रहे थे। भीमसेन को बुला करके महाराज युधिष्ठिर पूछने लगे, गता सप्ता धुना मासा भीमसेन तवानुजा नायाति कस्य वा हेतो नाहं वेदेद मञ्जसा। ये चिंता कर ही रहे थे कि अर्जुन को आते हुए देखा, निकट आने पर अनेक प्रश्न किया। महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन तुम्हारा मुखमंडल कांतिहीन कैसे हो गया? कहीं को हत्या तो नहीं किया? ब्राह्मण हत्या तो नहीं किया? अगम्य से गमन तो नहीं किया? न जाने कितने प्रश्न पूछे, कोई उत्तर। अंत में पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे प्राण प्यारे प्रभु ने तुम्हारा परित्याग कर दिया? ये सुनना हुआ कि अर्जुन युधिष्ठिर के चरणों में गिर करके व्यथा की कथा सुनाने लगा। वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिण एन मे पहतम तेजो देव विस्मापनम। आज वंचितो हम, मैं वंचित हो गया किससे? हरिणा हरि से, भगवान से वंचित हो गया। भगवान के स्वधाम जाने का संपूर्ण वृत्तांत विस्तार से सुना दिया। जिसको सुन करके पांडव बड़े दुखी हो गए, कन्हैया के बिना तो हम भी नहीं रहे, अब रहने का कोई अर्थ नहीं। कुंती महारानी ने सुना, तक्षण प्राणों का परित्याग कर दिया। अभी महाराज परीक्षित की अवस्था बहुत छोटी है, छोटी अवस्था में ही परीक्षित को चक्रवर्ती राजा बनाया। पांडव लोग जब चलने लगे तो परीक्षित बड़े दुखी हुए। तब पांडवों ने समझाया, पुत्र चिंता मत करो, जिन्होंने हमारी रक्षा किया वही तुम्हारी भी रक्षा करा कर, बस उन्हीं पर भरोसा करो, उन्हीं पर विश्वास करो। इस प्रकार समझा बुझा करके हिमालय यात्रा करते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त किया। परीक्षित जब राजा बने तो मन में विचार करने लगे, राजा तो हम बन गए, लेकिन राजा का कर्तव्य भी तो होता है। अब लोग है क्या, अधिकार चाहते हैं, कर्तव्य करना नहीं चाहते, इसीलिए लोगों की दुर्गति हो रही। दुर्गति सबका कर्तव्य, और हम लोग इसीलिए प्रार्थना करते थे प्राइमरी में जब पढ़ते थे, कौन सी? वह शक्ति हमें दो दयानिधे करता मार्ग हर डटे। Yeah.
इधर उधर से नहीं बोलते, अब गीता से ज्यादा कौन सा बड़ा प्रमाण मिलेगा। पहले रामायण सुनो, जो कर्तव्य का पालन करता है वो धार्मिक होता है। उसका परिणाम क्या होता है? बोले धर्म तिबिरति योगति ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रतिभेद बखान। और भगवान इसी बात को कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने स्वाभाविक कर्तव्य कर्मों को करता हुआ व्यक्ति संसिद्धिम लभते, परम सिद्धि भगवत प्राप्ति करता है। ये भगवान कहते हैं, अगीता दी वर्ड साहब भगवान के शब्द। सब अपने कर्तव्य का पालन करें, डॉक्टर अपने कर्तव्य का पालन करे, रोगी अपने कर्तव्य का पालन करे, सन्यासी अपने कर्तव्य का पालन करे, गृहस्थ अपने कर्तव्य का पालन करे, सम्मुख हो जाए, राजा अपने कर्तव्य का पालन करे, प्रजा अपने कर्तव्य का पालन करे। ये विज्ञान है, इसके दो पक्ष हैं। पूर्व पक्ष है सेवा, उत्तर पक्ष है भगवत प्राप्ति। इतना बड़ा ये विज्ञान है, समझते नहीं इसको लोग, और समझ भी लेते तो उस पर चलते नहीं। अरे हमारा इस दुनिया धरती में कौन, इसीलिए इतनी बड़ी प्रार्थना आपने सुनी,
हे प्रभु ऐसी हमें शक्ति प्रदान करें कि हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। वह शक्ति हमें दो, दया ने दे, कर्तव्य मार्ग में डट जा। तो भाई महाराज परीक्षित ने विचार किया, हम राजा बन गए तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सुनप अवसी नरक अधिकार। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है उसको नरक की यातना भोगनी पड़ती है। इसलिए अपने कर्तव्य को हमेशा ध्यान लगे। राजा परीक्षित ने विचार किया, राजा हम बन गए तो हमारा काम और बढ़ गया, दायित्व और बढ़ गया, सेवा करना, प्रजा की रक्षा सेवा करना हमारा धर्म। बूढ़े बड़े मंत्रियों को साथ में लिया और प्रजा की दशा का अवलोकन करने के लिए चल पड़े। जिधर भी जाते हैं प्रजा बड़ी प्रशंसा करती है, महाराज आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपके पितामह अर्जुन जिनके मनोरथ को पूरा करने के लिए भगवान ने बड़े बड़े बनाए उन्हीं के आप पौत्र हैं, आपका सौभाग्य। प्रजाजनों के द्वारा अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनकर महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। चलते चलते एक अटपटा दृश्य देखा, एक काला कलूटा आदमी गाय बछड़े को बड़ी बेदर्दी से पीट रहा था। ये देख करके क्षत्रिय तो भड़क उठा, आवाज लगाई, खड़ा रहा उसी स्थान पर, मुझ परीक्षित के रहते ऐसा कदाप संभव नहीं हो सकता। वो काला कलूटा पुरुष आया, मुकुट उतार करके चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरी रक्षा कर। अपरिचित धर्म संकट में पड़ गए, एक तरफ तो इसने गो माता पर हाथ उठाया, एक तरफ मेरी शरण में आ गया, और जो समर्पण कर दे, शरणागति स्वीकार कर दे, उसको कभी मारना नहीं चाहिए। ये परंपरा आज भी चल रही है, ये परंपरा आज भी चल रही है। चाहे जितनी हत्याएं किया जिस पर लाखों का इनाम होता है, वो भी अगर सरेंडर कर दे, समर्पण कर दे, तो आज उसको मारते थोड़े मारते हैं क्या। और इसी सूत्र को लेकर के फूलन देवी सांसद बनी थी कि नहीं बता दो, मैं सबको पता है, जिसने 22 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली से मारा वो सांसद बन गई, क्योंकि समर्पण कर दिया, फिर मार नहीं सकते क्योंकि समर्पण कर दिया। तो परीक्षित दंड देने जा रहे थे, लेकिन समर्पण कर दिया तो विचार करने लगे, लेकिन फिर सोचने लगे। गाय बछड़ा आपस में बातें कर रहे थे, बछड़ा माँ से कह रहा था, माँ आप इसलिए दुखी हो कि इस पापी ने हमारे तीन पैर तोड़ दिए, अथवा इसलिए दुखी हो कि हमारे प्राण प्यारे प्रभु ने हमारा परित्याग कर दिया। उन दोनों की बातें सुन करके राजा परीक्षित समझ गए कोई सामान्य गाय बछड़ा नहीं, मुझे तो बछड़े के रूप में धर्म का दर्शन हो रहा है और गैया के रूप में धरती माता का दर्शन हो रहा है, पर ये काला कलूटा ये कौन है। उसी के पास जाकर पूछने लगे, तेरा नाम क्या है। बोले मेरा नाम कलयुग और यही मेरा सब काम है जो आप देख रहे हैं। परीक्षित कहने लगे, इसी समय हमारी राज्य सीमा के बाहर निकल गए, अब की बार अगर हमारा धनुष उठ गया तो जिंदा नहीं बचोगे। बोले ठीक है सरकार, जाऊं तो कहां जाऊं, आप कोई रहने के लिए स्थान दे दो, वहीं बना रहूंगा। कहां रहना चाहते हो। बोले स्वर्ण में निवास दे दो। बोले एव मस्तु, हमने तुम्हें स्वर्ण में, जो सोना है इसमें कलयुग रहता है, सोने में कलयुग का निवास दे, भगवान को समर्पित कर दो तो उसके गुण दोष भगवान जान जाए। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, निवेदित भोजन करहि, प्रसाद पट भोषण धरहि, तुम ही भोजन करहि, तुम्हें निवेदित भोजन करहि।
प्रभु प्रसाद पहले भगवान को भोग तो लगा दो, तब वो मालूम क्या बन जाएगा, प्रसाद बन जाएगा, प्रभु प्रसाद। अब उसको जो पाएगा वो प्रसन्न रहेगा। भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। पट भूषण, पट माने कपड़ा, कोई कपड़ा धारण करो तो पहले ठाकुर जी को ऊपर चढ़ा करके भावना बनाओ कि भगवान ने पहन लिया। अब बिना ठाकुर जी को पहनाए आपने कोई सूट पहन लिया और उसको पहन करके गए गंगा नहाने, उतार के रख दिया, कोई कलयुग का दूत आएगा उठा के भाग जाएगा, बहुत घटनाएं होती है। भूषण आभूषण, कान का नाक का कोई आभूषण, पहले ठाकुर जी को पर रख के भावना बनाओ पहन लिया, अब प्रसाद बन गया। अब बिना ठाकुर जी को पहनाए नाक का कान का गले का कोई आभूषण अगर आपने धारण किया तो हो सकता है कलयुग ऐसी कृपा करे कि काने नोच के भाग जाए, रोज की तो घटना है। इसलिए एक दिन की बात, सोने का मुकुट रखा हुआ था, भीमसेन जरासंध को पराजित करके लाए थे, रखा हुआ था, उसी को सिर पर धारण किया, जंगल गए शिकार खेलने के लिए। एक हिरण दिखाई पड़ गया, मृगानुगत अस्त्रांता छुदिता त्रसिता प्रसन्न। मृग का अनुसरण करते करते बड़ी दूर जंगल में निकल गए, भूख प्यास सताने लगे, छुदिता त्रसिता भूखे भी हो गए प्यासे, चारों तरफ दृष्टिपात करने लगे, कोई महात्मा की कुटी दिखाई पड़ जाए काम बन जाए, भोजन न मिले तो जल ही मिल जाए। शमीक मुनि की कुटिया दिखाई पड़ेगी, आवाज लगाई, अरे महाराज जी कोई अयंगर बड़ी जोर की प्यास लगी है। महात्मा तो थे पर समाधि लगाए हुए थे, उनको कुछ समझ में सुनाई पड़ा ही नहीं, अंदर जाकर के देखा तो समाधि लगाए बैठे हुए थे, सोने का मुकुट धारण करके गए थे, इतनी बुद्धि विकृत हो गई, बुरा भला बोलने लगे, मृषा समाधि अहो सुत किम छत्र बंद हो गई, झूठ मूठ की समाधि का नाटक करके बैठ गया, कौन राजा की सेवा कर, अभी देखता हूं कितना समाधि लगाने वाला। एक मरा हुआ सर पड़ा हुआ था, उसी को तीर की नोक से उठा करके शमी मुनि के गले में लपेट दिए। इस दृश्य को उनका एक शिष्य देख रहा था, जाकर के उनके बेटे श्रृंगी को बता दिया। एक श्रृंगी ऋषि रामायण वाले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, वो विभंडक ऋषि के पुत्र थे, ये शमीक मुनि के पुत्र, इनका नाम भी श्रृंगी था। क्रोध में जाकर शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, इसने आर्य मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए आज के सातवें दिन इसी सर्प का पूर्वज तक्षक रसेगा, और दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं होगा। इति बाघ वज्रम विसर्ज, वाणी रूपी वज्र का प्रयोग कर दिया, इस पर भी संतुष्ट नहीं हुआ, अरे कहीं पिताजी के गले में जिंदा न हो जो काट रहा।
दौड़ करके आया, लिपटा हुआ सिर पर देख करके जोर जोर से रोने लगे। पितरम भीक्ष दुखार्थो मुक्त कंठो रुरोदा। श्रमिक होने का ध्यान टूट गया, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा, कुछ बोल नहीं पाए। अन्य बालकों ने सारी घटना सुना दिया, जिसको सुन करके शमी गुनी बड़े दुखी हुए। अरे बेटा, थोड़े से अपराध में तुमने इतना भीषण श्राप दे दिया। हमारे महाराज परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा, जब श्राप के प्रभाव से ऐसे धर्मात्मा राजा नहीं रहेंगे तब भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार, अनाचार फैलेगा। अभी तो कोई बात नहीं, महाराज को पता भी नहीं है। अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, बोले जाओ महाराज परीक्षित को सूचना दे दो कि तुम्हें तक्षक के डसने का शाप लग गया है, सातवें दिन अगर चाहो तो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाओ। गौरमुख ने दौड़ लगाई। इधर महाराज परीक्षित जब लौट करके जंगल से अपने महल में आए तो पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगे। जो हाथ संत ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते थे, उन्हीं हाथों से मैंने पाप कैसे कर दिया, हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करना कि मुझे इस पाप कर्म का दंड जरूर मिले। ये चिंता कर ही रहे थे कि गौरमुख नाम का शिष्य आ गया। महाराज की जय हो। कहो ऋषि कुमार कैसे आना हुआ। बोले महाराज आप हमारे गुरु जी के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चले आए थे। बोले हाँ, ये गलती हमसे हुई। तो बोले सुनो, उनके बेटे ने आपको श्राप दिया है कि आज के सातवें दिन तक्षक डसेगा, दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं। ये सुनकर के महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हो, और परीक्षित की प्रसन्नता से महात्मा को आश्चर्य। महाराज मरने के नाम पर लोग कांपने लग जाते हैं, आप प्रसन्न हो रहे हैं। परीक्षित कहने लगे महात्मन, किसी को एक पल का ठिकाना रही है, श्वास जा रही है, वापस आएगी कि नहीं। लेकिन हमको तो छह दिन के लिए, तो हम हमारा सातवें दिन तक चाहिए, इसलिए हम प्रसन्न। बड़े बड़े राजा महाराजा है, सब चले गए, और हम सबको भी जाना है। जहां जाना है वहां जाने के लिए तैयारी नहीं कर, रहने की तैयारी बहुत कर। हम सबको एक दिन जाना है, इस जग में आकर देख लिया, कुछ दिन तक ही रह पाना है, घर घर में जाकर देख लिया। इस जगत से जाने वाले मानो कहते जा रहे हैं, ध्यान रखना तुम्हारे भी जाने की दिन आ रहे हैं। इसलिए जाना तो पड़ेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा है, कोई रह नहीं पाए करते। ये भी जो भजन सुनाने जा रहे हैं, तो भजन की भी यहाँ पर पुस्तक है। वो महात्मा आज वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। हमने कल भी आपको थोड़ा संकेत किया था, आज उन्होंने किताबें आ गई हैं लगाए हुए हैं। हमारे गुरु जी की किताबें, पतिक जी महाराज बहुत आते थे। हमारे गुरु जी ने आश्रम कुटिया झोपड़ी कुछ नहीं बनाया, हमारे 17 स्कूल कॉलेज चलते हैं, लेकिन एक झोपड़ी भी नहीं बनाई जिंदगी भर में। तो उनका अपना अनुभव का साहित्य आप ले जाओगे तो आपको रोजाना सत्संग घर में होगा, केवल दो पन्ने पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको समाधान मिलता रहेगा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। और जो सेट ले जाएगा उनको एक किताब फ्री में दी जाएगी, एक दो किताबें दे दो फ्री में। ये भजन सुनिए उन्हीं का, इसी बिंदु पर। हम तुम क्या कितने महारथी, इस जग में आकर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी, इस जग में आकर चले गए। निज कर्मों से नर्क स्वर्ग की राह बना चले गए। Okay.
चले गए मोरख तो मैंने कह कह कर अभिमान बढ़ा कर चले गए अब तुम क्या कितने महारथी जग में चलने की तैयारी कर लो भाई। अब बताओ